मेरे प्रियो, ये मछलियों से एक और मुझे घटना याद आती है। एक बार यीशु का जो प्रवचन है, संदेश है, वो भीड़ की भीड़ आती थी क्योंकि उसके मुंह से प्यार की, अनुग्रह की, सांत्वना की, शांति की बातें निकलती, मधुर बातें निकलती थी। लूका 4:22 में लिखा हुआ, भीड़ की भीड़ आती थी क्योंकि उसके मुंह से अनुग्रह की शब्द निकलते थे। ही जीसस क्राइस्ट स्पोक वर्ड्स ऑफ ग्रेस, ग्रेशियस वर्ड्स फ्लोड आउट ऑफ हिज माउथ। और एक बार इतनी भीड़ बढ़ गई कि एक दूसरे पर वो गिरे जा रहे थे, और यीशु मसीह झील के पास आ गए और झील में देखा एक मछुआरा नाव में वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तेरी नाव में आ जाऊँ? वहाँ बैठ के उन्होंने प्रचार किया, वो संदेश दिया प्यार का, परमेश्वर की। वो परमेश्वर सबको प्यार करता है, वो किसी धर्म जाति और रंग भेद, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, उसका कोई भी भेदभाव नहीं करता, सबको वो प्यार करता है। वो सबका यीशु है, सृष्टि करता है। और जब उनका प्रवचन खत्म हुआ, यीशु मसीह जानते हैं आपके दिलों को, आपके दर्दों को, आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को, और आपकी समस्याओं का हल यीशु के पास है, आपकी समस्याओं का समाधान यीशु के पास है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ने वो पतरस का वो जो नाव ली थी, यीशु मसीह इज द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन इन द होल वर्ल्ड। यीशु ने क्या किया? प्रवचन खत्म करने के बाद वो जान गए कि ये पतरस अनजान था, वो यीशु को नहीं जानता था, ना यीशु उससे पहले कभी मिले थे, पहली बार, पहली मुलाकात। यीशु ने उसे कहा, गहरे में जाल डाल मछली पकड़ने के लिए। तो पतरस कहने लगा, मैंने सारी रात मेहनत की परंतु एक भी मछलियां नहीं पकड़ पाई, परंतु तेरे कहने से मैं आज्ञा मान के गहरे में फिर से डालता हूं। रात भर उसने कोशिश की मेरे पियो, और वो अपने प्रोफेशन से, उसका काम धंधा क्या था? मछुआरा था, वो मछलियों को पकड़ता था और फिर बेचता था। रात भर, रात के समय मछलियां अच्छी पकड़ाई में आती है, रात भर उसने कोशिश की परंतु एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। उसकी असफलता, उसका टूटे दिल को जानते थे यीशु, जानते थे उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, पापा कब आएंगे सुबह, मछलियाँ लाएंगे हम, मछलियाँ और नाश्ते में खाएंगे, खाने में खाएंगे, बेचेंगे और अपनी ज़रूरतों का सामान लेंगे, परंतु एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। यीशु ने उसे बुद्धि के वचन कहे, गहरे में जाल डाल। और बाइबल बताती है जब उसने गहरे में जाल डाला, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। उसने अपने साथियों को बुलाया, अरे मेरी मदद करो, मेरा जाल फट रहा है, इतनी मछलियां। और यीशु के वो पैरों में गिर गया क्योंकि वो अचंभित हो गया इस अनोखे, अद्भुत, अचंभे के काम देख के। यीशु से कहने लगा, मैं पापी हूं। यीशु ने कहा उससे, मेरे पीछे चला, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मेरे प्रियो, आपकी सारी कमी घटी को यीशु मसीह एक बुद्धि का वचन देगा, बताएगा कहां आपको अप्लाई कर। यहां कई बार आप असफल हो गए, कितने ढेर सारी सरकारी नौकरी प्रतियोगिता के परीक्षाएं दे रहे हैं आप, हर बार फेल हो जा रहे हैं, मिस कर जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, फाइनल राउंड में आप आउट हो जा रहे हैं। यीशु मसीह बुद्धि का वचन देगा, उसका जवाब ऐसा, उससे मांगे सहायता, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान परमेश्वर है। यशया 28 और उसके 29वें वचन में लिखा हुआ, जीसस क्राइस्ट इज वंडरफुल इन काउंसल, एक्सेलेंट इन वर्किंग। आपको बुद्धि देगा,
वर्ड्स ऑफ विजडम देगा आपकी शादी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके संबंधों के लिए, आपकी नौकरी के लिए। वो नए आइडियाज, नया इन्वेंशन, नया इनोवेशन देगा आप समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। एक और बात की बात है, जब यीशु मसीह क्रूस पर जान दे दिए और बलिदान होके वो फिर से वो जी उठे, मगर यीशु को क्रूस पर चढ़े हुए ओ मरते हुए देख उसके उनके यीशु के चेलों का हृदय टूट गया था निराशा हताशा से, वो भर गए थे मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है, ये जो मैं आपको बताया, पतरस गहरे में जाल डाल, बाइबल में से आप पढ़ सकते हैं, लूका 5वें अध्याय में दिया हुआ है, गहरे में जाल डाल, यीशु ने उसे बुद्धि के वचन दिया, वर्ड्स ऑफ विजडम, गहरे में जाल डाला, इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगा। और यीशु मसीह के बलिदान के बाद, ओ क्रूस पर जान देने के बाद, जो सारी मानव जाति के लिए उसने प्यार से अपना खून बहा दिया ताकि उनके पाप क्षमा हो जाए, उनको रोगों से चंगाई मिल जाए, उनके श्राप दुख दूर हो जाए, उनका दुख आनंद में बदल जाए, यीशु मसीह जी उठने के बाद उसके चेले बड़े मायूस हताश निराश हो गए थे। और लिखा हुआ है यूहन्ना 21 में आप पढ़ सकते हैं, पतरस फिर से अपने पुराने काम धंधे में, पुराना फिशिंग अपना प्रोफेशन में वो वापस चला गया, झील में मछलियां पकड़ रहा है रात भर, परंतु सुबह हुई और एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। सुबह जैसे ही हुई तो उसने देखा, ओ कोई है जो उसके पास आया झील में, और उसने बुद्धि के वचन कहे, दाहिनी ओर जाल डाल, कास्ट योर नेट ऑन द राइट साइड, दाहिनी हाथ में जाल डाल तो तू मछलियां पकड़ने पाएगा। और उसने जाल डाला और 153 बड़ी मछलियां पकड़ी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, वो आश्चर्यचकित अचंभित हो गया यीशु के अनोखे आश्चर्यकर्म, अचंभे के काम देख के, अद्भुत काम देख के। यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है, हालेलुया, वो अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है, यशया 9:6 में लिखा हुआ है, वो इज वंडरफुल काउंसलर, हालेलुया, यशया 28:29 में लिखा हुआ है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला ओ महाबुद्धिमान परमेश्वर है, ही इज वंडरफुल इन काउंसल, एक्सेलेंट इन वर्किंग, वो आपको बुद्धि ज्ञान देगा, आपकी असफलता को सफलता में बदल देगा, आपके व्यापार को, आपकी बेरोजगारी को वो रोजगार, आपको अच्छी नौकरी देगा, आपको प्रमोशन देगा, आपको बताएगा आप ऐसा कर ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने खेत में, तू सफल होगा, ओ तू आशीषित होगा, बुद्धि का वचन मांगे। यीशु ने कहा है याकूब 1:5 में, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं उन्हें बिना उल्हाना दिए हुए, बिना डांटे खुशी से दूंगा। क्या आज आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान समझ नहीं है? यीशु बुद्धि ज्ञान से आपको भर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को पुकारे, वो बुद्धि की आत्मा ओ मंडला रही है, ओ बुद्धि का ओ देने वाला यीशु मसीह, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए, कुलुसियों 2:3 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह में खजाना, इन जीसस आर हिडन ऑल द ट्रेजर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज, देगा 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 देगा, हालेलुया। यीशु मसीह का, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है, नीतिवचन 1:7, नीतिवचन 9:10 में लिखा है, ले लीजिए, मांग लीजिए, यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें मैं दूंगा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, आप सफल होंगे, आपकी असफलता दूर हो जाएगी, योर फेलियर्स आर नॉट परमानेंट, असफलता हर हमेशा नहीं रहेगी, हमें ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, और रिसीव इट, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन।